हरियाणा बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार अभियान अपने चरम पर है। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और सभी का प्रचार जारी है। हमारे सीएम, पूर्व सीएम, सांसद, विधायक और सभी नेता फील्ड में है। सुभाष बराला ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए करीब 82 रैलियां और बड़े नेताओं के कार्यक्रम सफल हो चुके हैं। 4 दिन पहले हर बूथ हर घर अभियान शुरू किया गया था, जिसको जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं बराला ने इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा और कहा कि इंडिया अलायंस भ्रम फैला रहा है कि संविधान को खतरा है। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो चुनाव से पहले का नहीं था, चुनाव के बाद का था। जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के मुकाबले 19 में 3.5% से ज़्यादा वोट प्राप्त भी किया, उसके बावजूद भी हमारी जो कुछ सीटें घटी, तो उस दृष्टि से स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन किया गया था और वो गठबंधन अच्छा चला। लेकिन कुछ निजी हित कहो, स्वार्थ कहो, उनके चलते अब जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हुई और अलग होने के बाद उसका हश्र क्या है ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। ना आज वहाँ अगर JJP की बात करें तो ना वहाँ जन है, ना वहाँ नायक है, ना वहाँ पार्टी है, तो केवल परिवार बचा है। पूरी तरह से वो पार्टी ध्वस्त हो चुकी है। उनका प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बड़ी टीम उनको छोड़ करके चली गई है।